गाइस, वेलकम टू कृतिकास फार्म किचन। आज मैं आप लोगों के साथ आलू और परवल की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल मैं हलवाई स्टाइल में बनाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि मैं किस तरह से कृतिका मॉम्स किचन के स्टाइल में इसे बनाने जा रही हूँ। जो शादियों में हम लोग खाते हैं ना आलू परवल की सब्जी, बिल्कुल उसी तरह से बनाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि मैंने सब तैयारी पहले से करके रखा है। तो सबसे फर्स्ट में मैंने आलू लिया है, इसे बॉईल कर लिया था। परवल इस तरह से मैंने 4 पीसेस में इसे कट कर दिया, बट ये आपस में ज्वाइंट है। ये गरम मसाला, इसका पेस्ट बनाएंगे। अदरक लहसुन का भी पेस्ट बनाएंगे। ये तड़का के लिए मैंने लिया है। और प्याज, टमाटर, मसाला रेगुलर जो यूज करती हूँ बस वही। और सब्जी को मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो कोशिश कीजिएगा आप मस्टर्ड ऑयल में बनाइए सब्जी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सब्जी में। तो कढ़ाई को मैंने पहले से गैस पे रख दिया है। और आलू परवल की जो सब्जी है ना, इसमें तेल थोड़ा ज्यादा जाता है गाइस, तो डोंट वरी, बट बहुत ही अच्छा बनता है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल दिया है और इसे थोड़ा हीट होने देते हैं। सबसे पहले मैं ये जो परवल है ना, इसे फ्राई करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट में आलू। सबसे फर्स्ट मैं परवल को फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ही गर्म हो चुका है और उसके बाद मैं इन दोनों का पेस्ट भी तैयार कर लूंगी, गरम मसाला प्याज का और अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन को मैंने पील कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले परवल को फ्राई कर लेते हैं। परवल बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया और प्याज और गरम मसाला का पेस्ट भी बना लिया है। तो चलिए सबसे पहले परवल को निकाल लेते हैं। ज्यादा जलाना नहीं है, बहुत ही अच्छा, बस इतना ही फ्राई करना है। परवल को मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करना है इसको। तो अब नेक्स्ट है, इसी ऑयल में मैं आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ। आलू को ज्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो वो टूट जाएगा, इसलिए हल्के से ही चलाना है। आलू को भी गोल्डन कर देंगे अच्छे से। इसे भी मैं बिल्कुल परवल की तरह फ्राई कर लेती हूँ। आलू भी फ्राई हो चुका है बहुत अच्छे से। इस तरह से सारा तेल कढ़ाई में रहे, इसे भी निकाल लेती हूँ। आलू
चावल को मैंने फ्राई करके रख लिया है। अब इसी बचे हुए तेल में ये जो तड़का के लिए मैंने रखा था तेज पत्ता, जीरा, सूखी लाल मिर्च, इसे डाल देते हैं। अब ये जो प्याज मैंने काट के रखा है इसे भी डाल देते हैं। प्याज को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। प्याज को बहुत ही अच्छे से फ्राई एकदम नरम होने तक फ्राई करना है, ताकि सब्जी अच्छा बनेगा। तब तक मैं सारा सूखा मसाला निकाल लेती हूँ। ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें सूखा मसाला सारा जो जरूरत पड़ेगा। सबसे फर्स्ट मैं मिर्ची पाउडर, सब्जी को मैं थोड़ा तीखा ही बनाऊंगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर भर के एकदम लिया है मैंने, ये थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम जीरा पाउडर, अच्छे से पका लेते हैं। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल दे रही हूँ। आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें डाला है। और इधर प्याज मेरा फ्राई हो रहा है, इसे चला लेते हैं। ताकि ये जल्दी से प्याज में लग जाए। मसाला डालने की जो मैंने निकाल के रखा है, मसालों को बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है, तभी सब्जी हमारे बहुत ही अच्छा बनेगा। जब तक मसाला फ्राई नहीं होगा तो सब्जी का टेस्ट भी नहीं आएगा अच्छे से। इसलिए सबसे फर्स्ट में सबसे पहला मसालों को बहुत भूनना है। साथ में इसमें थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लिया है, टमाटर ये दोनों को भी डाल देती हूँ। ये आलू पटल की सब्जी ना थोड़ा सा मसालेदार बनती है और मसाला थोड़ा इसमें अधिक जाता है, तभी टेस्टी सब्जी बनता है। अब इसमें अदरक और टमाटर को मैंने डाल दिया। गैस को क्लीन कर देते हैं उसके बाद धीरे धीरे से फिर से मैं इसे सब्जी को सारा फ्राई करूंगी अच्छे से। तब तक इसे पानी डालने की जरूरत नहीं है, टमाटर में भी खुद का पानी होता है ना, तो उसी से सब्जी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा मेरा। कवर कर देते हैं, कर लेते हैं इसे। अब इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दे रही हूँ, जितना नमक जरूरी है। नमक डालने से ना सारा टमाटर अच्छे से गल भी जाएगा और मसाला के साथ बहुत अच्छे से मिल भी जाएगा।
पहले से ही कर रखा है। अब इसे फिर से कवर करके इसे बिल्कुल ही अच्छे से पकाना है। ये मसाला चेक कर लेते हैं, मसाला बिल्कुल ही अच्छे से भून चुका है। मसाला को चेक कर लेते हैं, मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है। साइड से जो ऑयल है ना, बिल्कुल साइड आ चुका है। मैंने इसमें पानी का थोड़ा सा भी यूज नहीं किया है। अब मैं इसमें ये जो पानी है ना, बस इतना सा इसमें डाल दी हूँ और गैस को हाई करके मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है, तो इसलिए ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा मसाला का कलर भी आ गया, आप देख सकते हो। बारी आती है अब ये जो आलू परवल को मैंने फ्राई करके रखा है इसमें डालने की। इसे एक मिनट के लिए फिर से ढककर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं आलू परवल के साथ मसाला को, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। इसे चला लेते हैं अच्छे से। अब इसे ज्यादा भूनना नहीं है, बहुत अच्छे से पानी डाल देते हैं। जितनी ग्रेवी रखनी है आपको इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गरम मसाला का पेस्ट मैंने तैयार करके रखा है वो भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल आप भी इसे स्टाइल में बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा आलू परवल का सब्जी और उंगलियाँ चाटते रह जाओगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत स्वाद भी आता है इसमें। तो चलिए इसे ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये मसाला ग्रेवी जो है अच्छे से पक जाए, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है, बस इतनी ग्रेवी रखना, ज्यादा सुखाना नहीं है। सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है गाइस। चलिए गैस को करते हैं ऑफ, सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। प्लीज आप भी मेरे स्टाइल में आलू परवल की सब्जी को बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।